हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में हर दिन क्या होता है, ईच एंड एवरी डे हम लोग क्या करते हैं। तो एक्चुअली डे स्टार्ट हो चुका है, ऑफिस खुल गया, अब उसके बाद क्या करेंगे। ऑफिस खुलने के साथ ही आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, सबका अपना अपना ऑफिस टाइमिंग होता है। तो 2-3 घंटा का नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन टाइम होता है। उस समय RD, SB, सुकन्या, चाहे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलना, IPV का काम होना, लेटर, लेटर पोस्टिंग, ये सारे चीज़ इसी टाइम के अंदर होता है। 2-3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा आपको ट्रांजैक्शन टाइम देना होगा, फिर वो मेल तैयार करता है। तो अभी फ़िलहाल ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो अभी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो कुछ अकाउंट खोलने के लिए रखा हुआ था, तो अकाउंट सुबह में ही खुल चुका है, घर पे ही खोल लिए, लेकिन अभी उसको अच्छे से फिलअप करना है, PR काटना है, वाउचर भरना है, तो ये सब चीज़ है। अभी उसको कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद अभी कोई आ नहीं रहा है। आई थिंक आज सैटरडे है, तो लोग को लग रहा है ऑफिस बंद होगा, लेकिन ऑफिस बंद नहीं है। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट खोल के रखा हुआ है, अब इसको अच्छे से फिलअप करना है ताकि कुछ छूटे नहीं, फिर PR भी काटना है। तो आज आपको डे बाय इच मतलब आज पूरा दिन क्या होगा वो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऑफिस में आखिर BPM क्या काम करता है, चाहे और भी स्टाफ क्या कैसे काम करता है, क्या करता है, क्या होता है। क्योंकि सारे लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में अनजान है, उतना नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग पोस्टल नियम कानून, जो भी है काम क्या है। तो उस चीज़ को अभी हम इसको दिखाएंगे, आपको कुछ समझ आएगा, एक आइडिया बनेगा कि इस तरह से काम होता है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये कुछ अलग टाइप का रहेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो जो अकाउंट सुबह में खोले थे, अब उसको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म बहुत सारे भरा हुआ नहीं है। तो देखिए, अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खोलने में क्या होता है, पहले RACT ये जो दिखाई दे रहा है, या RACT में पहले इंडेक्सिंग करेंगे, वो जो कस्टमर आईडी है उसको इंट्री करेंगे, जो जिस टाइप का स्कीम का, जिस स्कीम जो स्कीम खोलेगा, मतलब मान लेते हैं RD खोलना चाहता है, SB या फिक्स TD या फिर सुकन्या, तो उसका कस्टमर आईडी इंट्री करेंगे, फिर उसके बाद उधर से रुपया इंट्री करेंगे, फिर उधर से एक रिसिप्ट आता है, उसमें रेफरेंस नंबर सब लिखा रहता है, वही रेफरेंस नंबर फॉर्म पे लिख देना है एज इट इज़। वही रेफरेंस जब अकाउंट ऑफिस में अकाउंट खुलता है तो यही रेफरेंस नंबर काम आता है, ठीक है, कि कौन BO का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, कौन BO का अकाउंट खुलने वाला है, तो वहाँ से टाई अप हो जाता है, मतलब टैग हो जाता है उस अकाउंट ऑफिस से BO का टैगिंग हो जाता है रेफरेंस नंबर के ही थ्रू। तो रेफरेंस नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस नंबर को आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्लियरली। और अभी हमको फॉर्म भरना है, तो थोड़ा सा हम बस इसको दिखा रहे हैं, हम किस तरह से फॉर्म भर रहे हैं। पहला बोल रहे हैं पोस्ट ऑफिस का नाम, तो पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दिए, मेरा तो वासुदेवपुर है तो वासुदेवपुर लिखेंगे। टू द पोस्ट मास्टर, आप अकाउंट ऑफिस का भी पोस्ट मास्टर के नाम से लिख सकते हैं, या फिर अपने खुद के BO के नाम से लिख सकते थे, हम अपना वासुदेवपुर ही लिखते थे क्योंकि सारे फॉर्म में ऐसे ही लिखे हैं, तो इसमें भी लिख देते हैं। कितना रुपया का अकाउंट खोला है तो वो भी लिख देंगे, वर्ड में प्लस डिजिट में दोनों में लिखेंगे। जैसे 100 रुपया खोले तो 100 लिख देंगे, 100। अभी क्या है ना, RD का कैंपेन चल रहा है, 200 RD बोले हैं खोल के देने के लिए, तो 200 RD तो हो जाएगा, लेकिन चल रहा है, रेस में है, 100 कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं, क्या पता कुछ अनहोनी, कुछ मिरेकल हो जाए, 100-200 एक दिन में ही खुल जाए, कोशिश करेंगे। फिर बोलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट या गार्जन, ना गार्जन का नाम लिख देंगे, एप्लीकेंट का नाम ऊपर में ही लिख दिए, गार्जन का नाम बाद में लिखेंगे।
ये मेरा खुद का फॉर्म है, खुद का फॉर्म भर रहे, खुद का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिटेल्स मुझे मालूम है, याद है तो हम लिख रहे हैं। लेकिन दूसरे का अगर फॉर्म आप भर रहे हैं तो उस चीज़ आपके उसके डॉक्यूमेंट देख करके भरना होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलत सलत नहीं भरना है। पैन नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा तो पैन नंबर हम दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। उसके बाद एड्रेस मांगेगा, कहाँ आप रहते हैं, तो मेरा एड्रेस तो बिहार का है तो बिहार का दे देते। पोस्टल पिन मांगेगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है, पिन से ही पता चल जाता है कि कहाँ का ये आदमी है, सब कुछ दिख जाता है सिस्टम में। आधार नंबर मांग रहा है तो आधार नंबर दे देंगे, यहाँ बोल रहा है आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट या ये सब, एड्रेस प्रूफ, तो हम इधर एड्रेस प्रूफ में दे देते आधार, आधार नंबर लिखना पड़ेगा तो आधार नंबर लिख देते। ये सब मुझे याद है इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि याद ही हो, दूसरे का फॉर्म में किए कैसे याद रहेगा डिटेल्स, उसको तो डॉक्यूमेंट में देख करके लिखना पड़ेगा। लास्ट में ये सब चीज़ तो लिख दिए, साइन करना पड़ता है, बस इतना हो गया। उसके बाद लास्ट में बोलेगा नॉमिनेशन डिटेल्स में, वो जो जिसको नॉमिनी आप रखना चाहेंगे उसको वो उसका नॉमिनी डिटेल्स होगा, क्या रिलेशनशिप है, नेचर ऑफ इंटाइटलमेंट क्या है, ट्रस्टी ओनर ओनर हो जाएगा, शेयर ऑफ कितना शेयर होना चाहिए, इंटाइटलमेंट 100% होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना ज़रूरी है नहीं भी है, माइनर के केस में लिखना होता है, आधार नंबर लिखना ज़रूरी है नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस लिखना पड़ेगा, नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइन करना इम्पोर्टेंट है, और सिग्नेचर ऑफ बीपीएम ये सब कर देंगे, स्टैम्प लगा करके भेज देंगे बस, जिससे मान लेते हैं इस स्टैम्प है, इसको इधर लगा दिए, ओके। फिर साइन करना रहता है, साइन कर दिए इधर फॉर्म के लास्ट पेज में, मतलब बैक बैक साइड में सिग्नेचर ऑफ बीपीएम होता है वो भी करना रहता है, इधर नॉमिनी नाम लिखना था इधर लिख देते। चलिए अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और भी कुछ दिखाना है। ये 300 कथाई लिखबो ना संख्या लिखबो संख्या 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 ना শাশু মারা যাইছি तो जैसा कि देख सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद पीआर कटता है, तो पीआर बुक काट रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, पीआर कटता है तो इसके लिए कार्बन लगता है, देखिए कार्बन लगाए हुए हैं, और उस पूरा चीज़ नहीं दिखा सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तभी हम पीआर काटेंगे। पीआर में कस्टमर का नाम लिखा जाता है, उसका एड्रेस क्या है वो लिखेंगे, कितना रुपया दिया है, कितना रुपया का अकाउंट खुला है वो रुपया लिखेंगे, कौन सा स्कीम है उसके बारे में लिखेंगे। फिर इस तरह से कार्बन को हटा देंगे, दोटा कार्बन लगता है, फिर स्टैम्प लगता है इसे,
फिर बीपीएम सिग्नेचर लगता है। इसमें से एक पीआर मतलब ये जो है डुप्लीकेट पीआर अकाउंट ऑफिस जाता है तो उसको हम फाड़ लेंगे। इस तरह से फाड़ लिए हैं, और भी सारे पीआर काटना है तो सेम प्रोसेस के साथ जाना होगा। जिसका नाम से अकाउंट खुला है उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर वो कितना रुपये का अकाउंट खुला वो लिखेंगे। मान लेते 100 रुपया का खोला है, 100 रुपये का अकाउंट इधर लिख देंगे सेंटेंस में और डिजिट में दोनों। फिर स्टैम्प लगेगा और उसके बाद साइन होगा बीपीएम का। एकटा दोटा ऑफिस में रहता है, दो पेज और एक पेज अकाउंट ऑफिस जाता है। तो ये जो डुप्लीकेट है इसको हम ऐसे टियर कर लेंगे और ये सब ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसको इधर रखते हैं, अब दिखाते हैं क्या क्या लगेगा। एक पीआर बुक लगेगा, एक वाउचर लगेगा अकाउंट ओपनिंग अकाउंट में पैसा जमा करने वाला जो वाउचर होता है डिपॉजिट वाउचर वो लगेगा। फिर इस तरह से अटेस्ट कर देना, अटैच करके फिर उसके बाद स्टेपल कर देना, हो गया। दूसरा में भी सेम प्रोसेस है, सब कुछ चेक कर देंगे फॉर्म अच्छे से भरा है कि नहीं, कुछ छोटा है कि नहीं वो भी देखना होगा। ये सब प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये सब मेल बना करके फिर भेजेंगे। तो मिलते हैं, नेक्स्ट मिल रहे हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as अभी क्या है कि सारा काम हो गया है और मेल भी डिस्पैच कर दिया है। तो उसके बाद हम मेरे पास ये चैलेंज आता है कि भाई अकाउंट सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, जो भी अकाउंट खोले हैं या फिर डिपॉजिट हुआ है वो सब ठीक है कि नहीं, आरएसटी से मिल रहा है कि नहीं। तो उसी चीज़ को हम मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 300 रुपया डिपॉजिट नहीं है। तो हम इस यहाँ पर जर्नल को खोलेंगे, जर्नल में देखेंगे कौन सा अकाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो उसको हम फिर से इधर से डिपॉजिट कर देंगे ताकि मेरा जर्नल का और आरएसटी का अकाउंट बैलेंस सही रहे। क्योंकि अगर डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या होगा, अगले दिन काटना होगा, वो गलत हो जाएगा, फाइन भी लग सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना इस पर कि डे क्लोज करने से पहले जो भी डिपॉजिट विड्रॉल हुआ है वो सही से डिपॉजिट विड्रॉल हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करना ज़रूरी रहता है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट पेड ऑन इतना तारीख, ठीक है। तो 300 रुपया यहाँ पे जमा करना था, कर देते हैं। एक अकाउंट खोलने के लिए भी बाकी था, जो जो पेंडिंग चीज़ है उस चीज़ को यहाँ पे खोलना है, खोल लेते हैं।
और नेक्स्ट डे क्लोज करने से पहले तक जो जो प्रोसेस है हम आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर पब्लिक नहीं आया है, सबको लगा सैटरडे है, छुट्टी है, छुट्टी था नहीं, काम तो हो ही रहा था, तो मेरा तो जो काम है करना था, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट भी खोले हैं इसीलिए इतना टाइम लग गया, उसका वाउचर फिलअप करना, वीआर काटना, फॉर्म भी फिलअप नहीं था, फॉर्म फिलअप कर ली क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट था तो वो कर ली। यहाँ देख रहे हैं बैलेंस मैच करके देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है और RACT में कितना है और मेरा जर्नल में कितना हम लिखे हैं, कि दोनों सेम रहना चाहिए, एक थोड़ा सा 1 रुपया का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 पैसा का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 22309 एक 100 रुपया का अकाउंट खोलना था। चलिए इसका काम क्लियर हो गया, एक अकाउंट खोलना था तो एक अकाउंट खोल लेते हैं, RTA अकाउंट खोलना है। थ्री नाइन कस्टमर आईडी डालेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे कितना रुपया का RD खोल रहे हैं, उसके बाद ओके कर देंगे। तो मेरा ये खुद का ही अकाउंट है, गलती से ज़्यादा PR कट गया तो इसीलिए उसका अकाउंट खोलना पड़ रहा है, गलती से एक ज़्यादा अकाउंट PR खोल काट लिए 100 रुपया का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखें, फाइनली हम चेक कर रहे हैं मेरा बैलेंस ठीक है कि नहीं, RACT का जो वर्क काम हुआ है उसका काम मैच कर रहा है कि नहीं मेरे जर्नल्स, क्योंकि ये तो जर्नल है, मैनुअल काम है, डिजिटल काम मैच करना। 23009 23009 ठीक है, मिल गया। उसके बाद क्या चेक करना है, TD भी खोले हैं क्या, TD चेक कर लेते एक बार, TD का कोई काम ही नहीं हुआ आज। उसके बाद सुकन्या का देखते हैं, सुकन्या अकाउंट में, सुकन्या में 1250 टका का डिपॉजिट ठीक है। SB में देखते हैं, SB में कितना है, SB में 8000 20000 विड्रॉल ठीक है, ये तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे अब देख लेते हैं RPLI में कितना डिपॉजिट हुआ है, RPLI में, RPLI को भी चेक करना है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके वजह से भी बैलेंस डिफर हो जाएगा। ओवरऑल सारा काम हो गया एक दिन का, अब मेल भी डिस्पैच कर दिए है, जो चीज़ हाँ PMA में दिखाना है, PMA ऐप में लेटर जो जो डिलीवर हुआ है उसको दिखाना है, और जो भी लेटर डिलीवर हुआ है उसको ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करके देना है कि ये चीज़ काम हुआ है, ये लेटर डिलीवर हुआ है, रिपोर्ट देना है, वो करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। मोबाइल किधर रखती है भाई, मोबाइल तो इधर है। PMA ऐप PMA ऐप खोल लिए हैं, PMA ऐप को पहले हम रीस्टार्ट कर देते ताकि अच्छे से काम करे। यहाँ चेक कर लेते हैं RPLI का जो डिपॉजिट है, इधर आके चेक कर लेते कितना डिपॉजिट हुआ है, सब चेक कर लेंगे ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं। 1580 टका RPLI ठीक है, RPLI ठीक है, RPLI भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक गड़बड़ ये है कि PR नंबर कितना कितना था ये लिखना भूल गए, ये भी लिख देते हैं। RD जर्नल में PR बुक लिखना ज़रूरी रहता है, जो नया अकाउंट खोल रहे हैं उसका कितना PR नंबर है ताकि अच्छे से पता चल जाए ऑडिट के समय। तो हम यहाँ पे PR बुक खोलेंगे, PR का मतलब होता है प्रीलिमिनरी रिसिप्ट बुक, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, PR बोल रहे हैं बार बार, प्रीलिमिनरी रिसिप्ट बुक।
ये है दोटा दूसरे का अकाउंट खुला और मेरा अकाउंट है। ठीक है तो एक एक इसका 20 PR है, एक होगा 21, इसका 22 मेरा है, 23 मेरा है, 24 भी मेरा है, 25 भी मेरा है, 26 भी मेरा है और 27 मेरा है। इसको यह है PR बुक, इसको हम हटा देते हैं। ये बहुत काम का चीज़ है, ये दिखता है कि इसमें फ्रॉड हुआ है कि नहीं, सब कुछ चेक किया जाता है। PR बुक से ही पता चलता है कि कितना रुपया का लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हुआ है कि नहीं। अब इसमें से जो जो लेटर डिलीवर हुआ है इसको यहाँ से PMA ऐप में जाएंगे, RACD का सारा काम कंप्लीट, PMA ऐप में जाएंगे। PMA ऐप में जाने के बाद ये जो भी लेटर है इसको डिलीवर दिखा देना, ये डिलीवर लायक है, ये सबको डिलीवर दिखा देते। ये वो कोर्ट का लेटर है उसको भी डिलीवर दिखाना। ये तो स्कैन होगा नहीं क्योंकि जीरोक्स किया हुआ है, इसको डाटा एंट्री करके ही दिखाना होगा। R5974 कोर्ट का लेटर को बहुत सावधानी से डिलीवर दिखाना पड़ता है, बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका। रजिस्टर लेटर है, चेक रिटर्न्स लोकेशन ऑन कर देंगे। सखी संग से कर दे, शक्ति शंकर दास, इसको डिलीवर दिखा दिए। और ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा ओवरऑल काम कंप्लीट हो गया है, अब हम घर जाएंगे, खाएंगे, फिर से कल संडे है, संडे का जो छुट्टी मनाना है, छुट्टी का दिन है। और भी लेटर है उसको दिखा देते, वीडियो में उतना लॉन्ग वीडियो नहीं हो चलेगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा है उसको भी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग को, ज़रूरतमंद लोगों को पहुंच जाए जिसको डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है और नया नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वीडियो जब देखेगा तो उसको कुछ न कुछ नॉलेज होगा, बहुत कुछ हम बोल देते हैं वीडियो के बीच में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है क्योंकि मोनिटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए जबकि 850 हो गया है और कुछ सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो कॉपरेट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो लास्टली यही बोलेंगे, चैनल में जुड़े रहिए, अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब बहुत बहुत अच्छा प्लानिंग किए हैं, इन फ्यूचर वो चीज़ इस चैनल के थ्रू मिलेगा, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जो न्यू कमर्स है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फॉर्म फिलअप किए हैं या नया रिक्रूटमेंट के लिए वेटिंग कर रहे हैं कि कब फॉर्म निकलेगा, कब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तो वो सब चीज़ इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। क्योंकि काम की वजह से ज़्यादा वीडियो अपडेटेड नहीं है, ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा हम आपको इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या बोलेंगे, चलिए।